स्वागत है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचड़िया, स्वागत है आपका इस सेशन। सो गाइस, एज डिस्कस्ड कि थ्योरी सेशंस आर गोइंग टू हैपन फॉर द प्रैक्टिकल टॉपिक्स। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, IRRM है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, ये तीन तो मुझे पता है जो मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक लगता है तो डू लेट मी नो। सेकेंड थिंग, प्लीज एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज काफी सारे अपडेट्स जो भी है आते रहेंगे, सो यू शुड बी अपडेटेड। Like the video because that's the best motivation that you can give me for making such more sessions. अच्छा, ये जो session है वो एकदम quick fire रखने वाला हूँ मैं। I will ensure that एकदम कम time में आप लोगों के साथ ये theory हो जाए, और आप लोग तो वैसे भी जब देखोगे तो 1.5 की speed पे देखोगे तो any which case you should get the maximum value out of it, right? So I will also ensure that main topics, main points cover हो गए जो exam relevant हो, एंड यू कैन एटलीस्ट लिसन इट 2 to 3 टाइम्स बिफोर एग्जाम, सो दैट आप लोगों के लिए भी ये चीज हेल्पफुल रहे। कहां से पढ़ाऊंगा मैं तो, अगर आप लोगों के पास मैजिक बुक है वेरी गुड, नहीं है तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी ऑर्डर करो तो बेटर रहेगा। एग्जाम के 1.5 डेज के लिए दिस इज द बुक दैट यू विल रिक्वायर एंड विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इफ नॉट देन इन दैट केस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, कमेंट्स में मैं पिन कर देता हूं टेलीग्राम लिंक, तो वो टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन हो जाओ। वैसे भी वहां पे आप लोगों को काफी एमसीक्यूज और नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा, सो यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर एज वेल। उसके अलावा हमारा वेबसाइट है webucate.in, वहां पे भी कुछ फ्री रिसोर्सेज है, फ्री टेस्ट है, फ्री एमसीक्यूज है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट द गेम बिगिन। तो कितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स, ADR, GDR है, नेटिंग है जो एग्जाम में आने का फुल चांसेस है, FCCB से रिलेटेड चीजें है, प्रोजेक्ट पेरेंट कैश फ्लोज है, तो ये सारी चीजें अभी अपन लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट विद सम गुड एग्जाम्पल्स, सो दैट एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को थियोरी याद रहे, एंड देन एग्जाम में अगर आता भी है तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, या फिर समझो कभी MCQ में आता है तो आपको अगर लॉजिकली कॉन्सेप्ट पता है, एग्जाम्पल पता है, सो आप अप्लाई कर पाएंगे उसको एंड फिर इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। चलो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल फाइनेंस चैप्टर, एंड सबसे पहला इसमें है, नोट्स आप लोग ओपन कर लो फटाफट, मैजिक बुक है तो मैजिक बुक ओपन कर लो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंड वी शुड स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहां से आने वाला है, तो यहां पे दो जगह है जहां से पैसा आ सकता है इंटरनेशनली। वन इज कॉल्ड एज ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड द अदर इज कॉल्ड एज GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा सेम है, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, एंड देन फिर ऑब्वियसली जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, और जो उसके अमेरिका के अलावा कहीं और अगर लिस्ट हुआ दैट बिकम्स अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इसको समझाने के लिए मैं लेता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा सोचो कि इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अडानी, ठीक है, अडानी लिमिटेड ऑब्वियसली एक लिस्टेड कंपनी है, तो इंडिया में तो उन्होंने IPO अपना लिस्टिंग करके मार्केट में आज की तारीख में अडानी कंपनी लिमिटेड लिस्टेड है। नाउ इफ दिस कंपनी वांट्स मोर मनी, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लोकली अपने आप से अपने अपने जो करंट शेयर होल्डर्स है उनके पास से राइट्स इशू करके और पैसा मंगवा ले, या एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कर ले। दूसरा ऑप्शन है इनके पास कि क्यों ना ये ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया जाके अपना पैसा रेज करे। सो जब ये ओवरसीज जाती है दैट इज वेयर अपने को ADR GDR की जरूरत पड़ती है। कैसे, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सो जब अडानी ओवरसीज जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल वांट टू लिस्ट द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अभी अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, एंड यहाँ पे उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में अपने शेयर्स लिस्ट करने हैं। So what happens is यहां पे अडानी क्या करेगा, अपने शेयर्स दे देता है एक इंडियन डिपॉजिटरी को। क्या बोला, इंडियन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब जो अडानी के बिहाफ पे वो शेयर्स रखेगा। दिस इंडियन डिपॉजिटरी विल देन गो टू द USA डिपॉजिटरी एंड इट विल गिव द शेयर्स ऑफ अडानी टू दिस USA डिपॉजिटरी, ठीक है, एंड देन दिस USA डिपॉजिटरी विल गेट दिस लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जब ये यहां पे लिस्ट हो जाएगा ना, इट विल बी लिस्टेड एज अ डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। सो अब हाउ डज दिस वर्क, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जब ये लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स है वो पेमेंट करेंगे, तो वो जो शेयर होल्डर्स है दे विल मेक द पेमेंट टू द USA डिपॉजिटरी,
USA डिपॉजिटरी विल गिव इट टू द इंडियन डिपॉजिटरी एंड इंडियन डिपॉजिटरी विल गिव द मनी टू अडानी. तो अडानी के पास पैसा आ गया, ठीक है. उसने ये शेयर्स कहां पे इशू किए? उसने ये शेयर्स इशू किया आउटसाइड इंडिया. इन दिस केस इट इशूड इट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिकॉज द डिपॉजिटरी ऑफ बोथ द कंट्रीज आर इन्वॉल्व, इट इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी रिसीप्ट. सो यहां पे बिकॉज यूएसए में हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट. बट अगर ये आउटसाइड यूएसए कहीं पे भी लिस्ट होगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट. जैसे अगर से लग्जमबर्ग में अगर लिस्ट होता है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट. सो अडानी विल से मेरा जीडीआर लिस्टेड है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, बट ही विल से मेरा एनवाईएसई में एडीआर लिस्टेड है. यू क्लियर एवरीबॉडी? सो ये सिस्टम समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहा है. सो एडीआर आर इशूड टू रेज फंडिंग एंड लिस्ट इट्स शेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द बेस्ट एग्जाम्पल इज इन्फोसिस, मेक माई ट्रिप. ये लोग ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था. सो वॉट हैपन्स इज एक डिमांड आता है, से इन्फोसिस के लिए डिमांड आया फ्रॉम अमेरिका दैट वी वॉन्ट टू बाय योर शेयर, हाउ कैन वी डू दैट विदाउट इन्वेस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. तो उन्होंने बोला ओके वी विल नाउ लिस्ट द शेयर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो आप अपने ही स्टॉक एक्सचेंज से हमारा शेयर्स खरीद सकते हैं. इंडियन कस्टोडियन ट्रांसफर्स इट्स कंपनीज सिक्योरिटीज टू द डिपॉजिटरी इन यूएसए. यूएसए डिपॉजिटरी इश्यूज एडीआर टू द इन्वेस्टर्स इन यूएसए. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा टू ऑल द इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बेस्ड ऑन इंडियन सिक्योरिटीज विद इन इट्स कस्टडी. अब क्या होता है बताइए. से द गौतम अडानी विल से भाई मेरे को 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं, तो ये 1 लाख शेयर्स वो इंडिया के डिपॉजिटरी को दे देगा. इंडियन डिपॉजिटरी विल गिव दोस 1 लाख शेयर्स टू द यूएसए डिपॉजिटरी. यूएसए डिपॉजिटरी वाले बोलेगा यार 1 लाख शेयर्स मैं इशू नहीं करूंगा, आई विल क्लब दीज शेयर्स इनटू वन डिपॉजिटरी इनटू 5 शेयर्स. सो टोटल अगर यहाँ पे आप लोग देखे जाओगे तो 1 लाख शेयर्स डिवाइड बाय एक डिपॉजिटरी में, एक एडीआर में 5 शेयर्स वो लोग ने ले लिए. सो टोटल 20,000 जीडीआर आर इशूड. तो बाय डिफॉल्ट जिसने भी एक जीडीआर लिया उसको 5 शेयर्स मिल जाएंगे एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. यूएस डॉलर रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ एडीआर इज ट्रांसफर टू द इंडियन कंपनी. एडीआर आर ट्रेडेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नैस्डैक. एडीआर आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर. एग्जैक्टली सेम सिस्टम, बस इतना ध्यान में रखना है दे आर डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन ऑब्वियसली यूनाइटेड यूएस डॉलर. सो जीडीआर आर इशू टू रेज फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड मार्केट एक्सेप्ट यूएसए. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट यूएसए. सो एक्सिस बैंक ने किया हुआ है अपने जीडीआर इशू आउटसाइड अमेरिका. सेम प्रोसेस है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. नाम देखो, सबसे पहले क्या है, ये एक बॉन्ड है, ठीक है. तो बॉन्ड क्या होता है, एक डिबेंचर की तरह होता है, ठीक है. ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है. कन्वर्टेबल मतलब आज बॉन्ड या डिवेंचर है, कल उठ के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लोग इक्विटी शेयर्स में. सो दिस बिकम्स अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, राइट. सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. सो से फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी है जैसे टाटास, तो टाटास ने कोई बॉन्ड इशू किया, तो टाटास क्या करेगा, से 1 लाख रुपीज का बॉन्ड एट द रेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये बॉन्ड जनरल पब्लिक को वो इशू कर सकते हैं, राइट. सो 10% उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब ये वाला बॉन्ड क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है. तो से फॉर एग्जांपल टाटा इश्यूज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, सो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है ये तो पता है, बट वेन इट इज अ डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी इट बिकम्स अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो से फॉर एग्जाम्पल टाटास अगर से यूएसए में अपना ये बॉन्ड्स को लिस्ट करना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी के थ्रू, उसका ट्रेडिंग डीलिंग करना चाहते हैं, देन इन दैट केस इट दे विल इशू अ एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. सो सपोज इन्फोसिस इंडियन कंपनी इशूज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इन यूएस डॉलर. तो यहाँ पे मैंने टाटा का एग्जांपल लिया, इंफोसिस का भी एग्जांपल ले सकते हो. सो टाटा ने क्या किया, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड वो लोकली देता था उसके जगह पे उन्होंने किसको दिया, यूएसए को. अब अगर वो यूएसए में दे रहे हैं तो यूएसए वाले के पास तो रुपीस नहीं है, उसके पास तो डॉलर है, तो वो टाटा को डॉलर में पैसा देंगे, बराबर है. सो टाटा के लिए तो एक फॉरेन करेंसी हो गया डॉलर, इट इज एन इंडियन कंपनी, उसको अगर डॉलर में पैसा मिल रहा है तो इट इज अ फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन करेंसी में इशू किया हुआ कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी. आई होप वी आर क्लियर.
कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन अ करेंसी अदर देन इश्यूअर्स डोमेस्टिक करेंसी, ये मैंने यूएसए का एग्जांपल लिया, इट कुड बी यूके, इट कुड बी एनी अदर कंट्री एज वेल. कन्वर्टेबल मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी, तो इधर आपको रेगुलर कूपन भी मिलेगा एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इक्विटी कन्वर्जन भी होते जाएगा, ठीक है ना. सो आज आपने टाटा का से बॉन्ड लिया है, ठीक है, अब जब कन्वर्जन होगा इक्विटी शेयर्स में, तो वो टाइम तक जो भी इक्विटी का वैल्यू बन गया रहेगा, ऑल ऑफ दैट इज माय बेनिफिट. फर्स्ट एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी और रिडीम द बॉन्ड, अलाउ डिले डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी. अभी देखो, टाटाज ने बॉन्ड्स इशू भी कर दिया, पैसा भी मिल गया, कन्वर्ट भी होगा इक्विटी में, बट आज नहीं होगा, एट अ पॉइंट इन फ्यूचर. सो अपने को भी भाई इक्विटी के, इक्विटी से क्या होता है, अपना ओनरशिप डाइल्यूट होता है, सो वो पोस्टपोन हो गया. इजी टू मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूअल फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड कैपिटल अप्रिसिएशन. तो भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो बेस्ट ही है ना भाई, एक तो मेरे को रेगुलरली कूपन भी मिल रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल अप्रिसिएशन जो भी होगा उसका इक्विटी का, वो भी मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा. कुछ डिसएडवांटेज है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का. And the next is low interest rates around 3-4%. Yeah. But FCC bhi jab issue hota hai, so they are issued at a lower rate of interest. So that could be one of the disadvantage. And the other is foreign exchange fluctuations. So definitely mere paas agar dollar mein aaya hai aur wo over a period of time fluctuate ho raha hai, so that can be a currency risk as well. So ye hai about foreign currency convertible bond. I hope samajh mein aa gaya hoga and abhi aap khud se likh bhi payenge iske bare mein. Next concept ke upar aate hai, this is a very important concept called as netting. Mere hisab se iske upar exam mein question aa sakta hai. Next concept hota hai netting. Netting ka matlab kya hota hai pata hai kya? Dekho idhar main aapko wapas se ek example deta hu aur example se apan log ekdam easily samajh jayenge what exactly is netting. ये देखो, अपन लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना कई बार बहुत सारी सब्सिडरीज होती है इंटरनेशनल वाली, मतलब से फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ले लेते हैं एग्जांपल फेसबुक का, ठीक है, तो फेसबुक तो या अमेजोन ले लेते हैं, चलो तो अमेजोन का जो मेन कंपनी है वो तो इधर यूएसए में है ही, बट कैन आई से अमेजोन की एक सब्सिडरी इंडिया में भी है, अमेजोन की एक सब्सिडरी से यूके में भी है, अमेजोन की और एक सब्सिडरी से जापान में भी है, राइट, डन. अब होता क्या है, कई बार से आपका इंडिया ने यूके को कोई गुड्स बेचा, ठीक है, एंड यूके ने, तो यहां पे इंडिया ने यूके को गुड्स बेचा वर्थ रुपीज 5,000, यूके ने इंडिया को गुड्स बेचा वर्थ रुपीज 3,000. अब आप बताओ क्या होना चाहिए अंदर अंदर, ठीक है ना, इंडिया ने यूके को गुड्स बेचा कितने का, 5,000, तो आइडियली यूके हैज टू पे इंडिया 5,000 रुपीज, सामने इंडिया हैज टू पे यूके 3,000 रुपीज, तो उससे अच्छा अब अपन लोग क्या कर लेंगे, वी कैन डू समथिंग कॉल्ड एज अ नेटिंग. अगर अपन लोग अभी यहां पे नेटिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूके विल पे इंडिया नेट ऑफ 2,000 रुपीज. समझ में आ गया आपको, इसको प्यार से बोलते हैं बायलैटरल नेटिंग. क्यों, क्योंकि यहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व थी और वो दो कंट्रीज ने अंदर अंदर ट्रांजैक्शन अपना रिजॉल्व कर लिया. सर इससे क्या फायदा होगा वो अभी बताऊंगा मैं तुम लोगों को. फिर बाद में होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, तो ये क्या हुआ, ये जो दो जन के बीच में हुआ ना, इसको प्यार से बोलते हैं बायलैटरल नेटिंग. अब होता है ट्राइलैटरल नेटिंग, मल्टीलैटरल नेटिंग. से फॉर एग्जाम्पल यहां पे अमेजोन के पास चार एंटिटीज है, ठीक है ना, एक यूके में है, एक जापान में है, एक फ्रांस में है, एक मुंबई में है, एक इंडिया में है. सो ऐसे इंटरनली यूके ने जापान वाले को बेचा, फ्रांस वाले को बेचा, मुंबई वाले को बेचा, हो सकता है कि जापान वाले ने भी यूके को बेचा हो, फ्रांस वाले को बेचा हो. तो ऐसे जब इंटरनली बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज का इंटरनल ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है एंड जब ये लोग नेटिंग करते हैं ना, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज मल्टीलैटरल नेटिंग. अभी क्लियर विल बी, सो बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेटिंग. सो एक एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूं मल्टीलैटरल नेटिंग का, आइए देखिए. सो हियर इट इज, सी हियर, देखो मल्टीलैटरल नेटिंग में क्या होगा, पी गुड्स सेल्स. अब ये तो मैंने एग्जैक्ट ले लिया कि भाई पी ने 50 मिलियन गुड्स क्यू को बेचा, क्यू ने 50 मिलियन गुड्स आर को बेचा, आर ने 50 मिलियन का गुड्स पी को बेचा, तो इंटरनली नेटिंग करके कोई किसी को पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, पी को आर से लेना है, बराबर है, आर को पी को क्यू से लेना है, आर को पी से लेना है, पर
क्यू को आर से लेना है, सो इंटरनली नेटिंग हो गया। वैसे अगर आप लोग इंस्टीट्यूट का जब मॉड्यूल खोलोगे ना, ये देखो ये पी क्यू आर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना 50 मिलियन वाला, ये आपके मॉड्यूल में भी है वैसे। और एक इंस्टीट्यूट का भी क्वेश्चन है, आरटीपी में भी उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन डाला है, एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुनना। सो यहाँ पे मल्टीलैटरल नेटिंग अपने को करना है। तो देयर इज फ्रांस, फ्रांस ने जर्मनी को, यूके को, इटली को गुड्स सेल भी किया है, फ्रांस ने यूके, जर्मनी और इटली से गुड्स लिया भी है। तो अब ये लोग कैसे इंटरनली नेटिंग करेंगे? सो ये देखो, फ्रांस को लेना है $200 यूएस डॉलर, फ्रांस को पे करना है $240, तो नेट ऑफ होके कितना बचेगा? $40। सो यहाँ पे देखो, फ्रांस को नेट ऑफ होके पेमेंट करना पड़ेगा $40। आप लोगों को समझ में आ गया? सेम थिंग अप्लाई फॉर जर्मनी, जर्मनी को टोटल $180 रिसीव करना है। ये देखो इधर लिखा है रिसीविंग अफिलिएट, ये देखो इधर लिखा है पेइंग अफिलिएट, और जर्मनी को सामने पे कितना करना है? जर्मनी को सामने पे करना है $130, तो कितना बचा? 50। अब यहाँ पे देखो, रिसीवेबल ज्यादा है कि पेएबल ज्यादा है? तो कहना इसे रिसीवेबल अपना ज्यादा है, सो 50 जर्मनी को रिसीव करना है। यहाँ पे देखो, जर्मनी के केस में 50 नेट रिसीव लगा है, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअली एक एक को पे और रिसीव करता तो $780 का ट्रांजैक्शन होता, इसके जगह पे अब खाली $100 इंटरनली वो लोग एक दूसरे को देंगे एंड एवरीथिंग विल बी नॉक्ड ऑफ। इसी को बोलते हैं नेटिंग। अब इसका फायदा ऑटोमेटिकली तुम लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये देखो, टू टाइप्स ऑफ नेटिंग आर देयर, बायलैटरल नेटिंग, ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडियरी, बिटवीन टू सब्सिडियरीज, जैसा अपन लोग ने अभी अपना अमेजोन वाला एग्जाम्पल देखा था, एंड मल्टीलैटरल नेटिंग अभी जस्ट अपन लोग ने देखा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट के इतने मल्टीपल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस अगर बचेंगे तो कहना इसे मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बंद कम हो जाएगा, ओवरऑल जो मेरा फॉरेक्स का इतना ज्यादा एक्सपोजर था वो भी ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। अब फ्रांस वाले को सोचो ना, खाली $40 का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रहा, जर्मनी वाले को खाली $50 का फॉरेक्स एक्सपोजर रहा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटिंग। आइए देखते हैं, इंटरनली सेटिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स बिटवीन सब्सिडियरीज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, उसको बोलते हैं नेटिंग, यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो मूवमेंट्स। अब होता क्या है, प्लस अभी अगर मेरे को से फॉर एग्जांपल किसी को बहुत बड़ा अमाउंट पेएबल है और उससे रिसीवेबल भी है, बट कई बार से मेरे को पेएबल है 3 मंथ्स बाद, रिसीवेबल है 2 मंथ्स बाद, सो देयर कुड बी अ मिसमैच ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये नेट ऑफ करने से एक बहुत बड़ा मेरा बर्डन कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो मूवमेंट्स। सो नेटिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द टोटल वैल्यू ऑफ इंटर कंपनी फंड फ्लोज, वेरी ट्रू। मिनिमाइजिंग मतलब जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है बेसिकली। This statement is correct. In case of MNCs, optimizing cash flow movements with combined efforts of subsidiaries, उससे देखो अभी ये जो points आपको exam में लिखकर आना है, reducing administrative and transaction cost, सबसे पहला done. There is coordinated international interchange of material, finished products and parts. So obviously यहाँ पे आप coordination के साथ ये netting कर सकते हो। Say for example आपको पता है कि यार फ्रांस 2 महीने बाद, सी ये कब यूज हो सकता है, जब आप एक बड़ी कंपनी हो, से यहाँ पे जैसे अमेजोन एक बड़ी कंपनी है और उसके इंटरनल 4-5 सब्सिडियरीज है, राइट? उसको पता है, जो मेन पेरेंट कंपनी है उसको तो पता ही होता है ना कि जापान 2 महीने बाद इंडिया से ट्रांजैक्शन करने वाला है, इंडिया 2 महीने बाद यूके से ट्रांजैक्शन करने वाला है, यूके 3 महीने बाद जापान से ट्रांजैक्शन करने वाला है। तो आप अपना ट्रांजैक्शन उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करवा सकते हो कि इट कैन रिजल्ट इनटू अ मल्टीलैटरल नेटिंग, समझे ना? गुड, वैसा। सो कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल इंटरचेंज ऑफ मटेरियल, फिनिश गुड्स, प्रोडक्ट्स अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एमएनसीज। लॉजिकली मैंने समझा दिया, आप अपने वर्ड्स में तुम लोग खुद से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ इंटर कंपनी फंड फ्लो। $780 का ट्रांजेक्शन की जगह $100 में काम हो गया, ऑलमोस्ट 1/8। सो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी 1/8 हो जाएगा, बहुत बड़ा सेविंग है भाई साहब। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, वो रिड्यूस हो जाता है। नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन, बार बार फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन का भी कॉस्ट लगता है, समझ रहे हैं आप लोग? सो दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, हेंस डिक्रीजेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंप्रूव्स कैश फ्लो फोरकास्टिंग सिंस नेट कैश ट्रांसफर्स आर मेड। सो लॉजिकली वी आर क्लियर, मैंने समझा भी दिया एक एक पॉइंट, खाली एक दो बार इसको और एक बार रीड कर लोगे, वापस से मेरे ये पॉइंट सुन लोगे, यू विल बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग, एग्जाम में आ सकता है। So do it properly. फिर बाद में अपन लोग का next concept आ जाता है and that is called as optimizing international cash management. So क्या ये जरूरी है?
द आंसर इज येस, बिकॉज देर आर टू मेन रीजन कि भाई इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, ये नेटिंग और ये सब करना क्यों जरूरी है, सो दैट ऑप्टिमल कैश फ्लो मूवमेंट्स हो एंड आपका जो एक्सेस कैश है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फ्रांस वाले को अगर $500 पे करना है और उसको सामने कुछ अमाउंट रिसीव होने वाला है, अब उसको जो पे करना है वो अभी पे करना है और बाकी का जो अमाउंट है वो कुछ टाइम बाद रिसीव होगा, तो देर विल बी अ डेफिसिट इन इट्स वर्किंग कैपिटल, या वाइस वर्सा, उसको 500 अभी आ जाएगा, 400 तीन महीने बाद करना है, सो सामने वाले को डेफिसिट हो सकता है. तो उससे अच्छा आपका जो भी यहाँ पे अभी एक्सेस कैश है खाली आप उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, सो द कैच वर्ड हियर इज कि भाई इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट अपने को कैसे करना है. अपने को ध्यान रखना है कि भाई जो भी कैश एक्सेस कैश है उसको इन्वेस्ट कर दो एंड कैश फ्लो मूवमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर दो. कैसे करोगे ये ऑप्टिमाइज कैश इनफ्लोज को, सबसे एक एग्जांपल बता दिया आप लोगों को, नेटिंग, यूजिंग नेटिंग टू रिड्यूस ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो देखो अपने को अब क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल कैश को कैसे मैनेज करना है. अमेजॉन यूएसए का मेन कंपनी है, उसके पास 10 अलग अलग सब्सिडरी है अलग अलग कंट्रीज में, बराबर. कैसे वो कैश को ऑप्टिमाइज करे, वन ऑफ द वेज इज नेटिंग. व्हाट आर द अदर वेज, एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोस, जहां से भी अपने को बेटर रेट मिल रहा है एक्सेलरेट कर लो कैश इनफ्लोस, जल्दी मंगवा लो, दैट विल बी बेटर. मैनेजिंग ब्लॉक्ड फंड्स, सी हियर, कई बार एक रिक्वायरमेंट होता है कि जो सब्सिडियरी है इट हैज टू रेमिट ऑल द मनी टू इट्स पेरेंट एंड देन फिर बाद में पेरेंट विल सी के उसको कहां पे किधर ट्रांसफर करना है. उससे अच्छा अगर इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बराबर करेंगे तो सी अभी इंडिया यूएसए को जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसको पहले ट्रांसफर करे तो देर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फिर यूएसए वाला फिर उसको रीट्रांसफर करे, रिपेट्रिएट करे, फिर एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट. उससे अच्छा ब्लॉक कर दो ये फंड्स को इधर ही, अब इंडिया के ही डेवलपमेंट के लिए इंडिया का ही मनी को यूज करो, सो देर इज नो नीड फॉर अननेसेसरीली चेंजिंग हैंड्स एंड फॉरेक्स कॉस्ट उतना अपना बच जाएगा. लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटेजी, फॉरेक्स में आप लोग ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है समथिंग कॉल्ड एज लीडिंग एंड लैगिंग. आप देखो कि फॉरेन का जो फॉरेक्स का जो रेट्स है वो किस तरफ से मूव हो रहा है. अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जो फॉरेक्स रेट्स है वो एडवर्स होने वाला है तो आप अभी का अभी पेमेंट कर दो, आप लीड कर दो, लीड मतलब पहले ही आप पेमेंट कर दो. व्हाई, बिकॉज इफ यू आर पेइंग इट अर्लियर, फ्यूचर में अगर रेट एडवर्स भी हुआ तो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा. तो अपन लीडिंग में क्या करते हैं, लोकल अपनी बैंक से लोन ले लेते हैं एंड वी विल मेक द पेमेंट टू आर आउटसाइड पार्टी. लोकल बैंक को अपन लोग इंटरेस्ट पे करते रहेंगे तो फॉरेक्स का जो इंपैक्ट है वो निकल गया. या फिर उल्टा अगर अपने को लग रहा है कि फॉरेक्स अपने लिए बेनिफिट होने वाला है देन इन दैट केस यू कैन लैग द पेमेंट. सो फॉरेक्स में लीडिंग लैगिंग का सम भी क्या है, आई एम श्योर वी आर क्लियर. फिर बाद में मिनिमाइजिंग टैक्स ऑन कैश इनफ्लो थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग. सो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग अपन लोग ने कॉस्टिंग में किया हुआ है वो चैप्टर, हाउ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में अलग अलग कंट्रीज का जो टैक्स रेट्स है उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कंट्री को ज्यादा परचेस करना चाहिए, कौन से कंट्री को ज्यादा सेल करना चाहिए. जहां पे टैक्स का इंपैक्ट कम है, से फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक दुबई, तो दुबई में कॉर्पोरेशन टैक्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील है, तो दुबई के वहां से अपन लोग सेल्स ज्यादा दिखा सकते हैं. इंडिया का टैक्स ज्यादा है तो इंडिया में ज्यादा परचेज दिखाओ, तो परचेज दिखाओगे तो उतना डेबिट होगा, तो उतना आप उतना आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट, दिस इज ऑल मैनेजिंग इट मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग. सो मिनिमाइजिंग टैक्स ऑन कैश फ्लो थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एंड देन इन्वेस्टिंग द एक्सेस कैश, वो तो अपना यहाँ पे भी पॉइंट है. सो ऑप्टिमाइजिंग द कैश फ्लो मूवमेंट कैसे करोगे आप लोग, एक्सेलरेट कैश इनफ्लो, फॉरेक्स का चैप्टर, लीडिंग लैगिंग करके अपन लोग कर सकते हैं, मैनेजिंग ब्लॉक फंड मतलब इंटरनली जहां पे कमाए उधर ही उसको प्रॉपरली आप यूज कर लो, इंटरनेशनल टैक्स आप सेव कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, नेटिंग मल्टीलैटरल बायलैटरल नेटिंग यूज करके आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगेन सेव कर सकते हो, जो भी एक्सेस कैश है उसको सेव कर दो. दिस इज द मेन इंटेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट. आई होप वी आर क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. There exists a big difference between the project and parent cash flows due to tax and exchange control. इसका मतलब क्या है कि भाई देखो आप outside India अगर कुछ भी invest करने वाले हो, आप अगर outside India कुछ भी invest करने वाले हो, then in that case what are the differences or what are the problems that can be faced? देखो अगर मैं इंडिया में कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई मेरा जो उधर कॉस्ट लगने वाला है उसके ऊपर भी मेरे को 30% का टैक्स बेनिफिट है.
अगर मैं कोई इनकम आ रहा है उसके ऊपर भी 30% है. सो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है दैट इज वेरी कंड्यूसिव टू मी, इजीएबल टू मी. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे टैक्स लाइक लेजिस्लेशन क्या है, टैक्स रेगुलेशन क्या है. अब ऐसा सोचो, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन जब इंडिया में, सो वोडाफोन इज अ बिग कंपनी ऑलरेडी इन यूके नेदरलैंड्स. जब ये वोडाफोन इंडिया में आया, ठीक है, तो उसने अपना एक बहुत अच्छा टेलीकम्युनिकेशन का सब सेटअप किया. लिटिल डिड इट नो कि उसका 10,000 करोड़ का टैक्स उसको पे करना पड़ेगा. सो ओवरऑल वोडाफोन जो टेलीकम्युनिकेशन है एज अ प्रोजेक्ट, इट गॉट बॉम्ब. मतलब इतना वो इट इट वॉज नेवर इफेक्टिव एज वोडाफोन नेदरलैंड. क्यों ऐसा? कंपनी तो अच्छी है, सब अच्छा ही चल रहा है, बट जो टैक्स इंप्लीकेशन थे उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया. वैसे ही एक यूनिनॉर करके आई थिंक एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आई थी फ्रॉम बांग्लादेश और समथिंग, दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू सर्वाइव इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फॉरेन फॉरेक्स का थिंग. सो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको सेटअप करना है, देन इन दैट केस क्या उसका इंपैक्ट आने वाला है, शुड नो ड्यू टू टैक्स रेट एंड एक्सचेंज कंट्रोल. सो मैनेजमेंट आर मैनेजमेंट एंड रॉयल्टी पेमेंट आर रिटर्न टू द पेरेंट फर्म. अभी सुनो, कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आपको इवेल्युएट करना है ना, तो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई आपका उससे, आपके जो पेरेंट कंपनी है उसको लोकली कितना फायदा होने वाला है उससे. द बेसिस ऑन विच अ प्रोजेक्ट शुड बी इवेल्युएटेड डिपेंड ऑन वन्स ओन कैश फ्लोज अक्रूइंग टू द पेरेंट फर्म और बोथ. सो देयर शुड बी अ बेनिफिट टू योर ओन लोकल कंपनी एंड देन फिर बाद में आप पेरेंट को ट्रांसफर करो तो अलग बात है. Evaluation on the basis of own cash flows ensure that project will complete favorably. So just because Vodafone Netherlands में और India में आके setup किया वो profitable होगा, Uninor यहाँ पे आ गया, जरूरी नहीं है. You have to see के internal cash flows positive है या नहीं. Shareholders of the parent company shall, if not, the shareholders and management shall invest in equity bonds of domestic firms. अभी क्या होगा भाई, अभी मैं shareholder हूँ Vodafone Netherlands का, तुम लोग ने इंडिया वोडाफोन इंडिया में जाके एस्टेब्लिश किया, लॉस हो गया. उससे तो अच्छा था ना कि मैं वोडाफोन नेदरलैंड्स के पास अगर कुछ पैसा है तो मैं यहाँ के लोकल करेंसी में, लोकल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट इवेल्युएशन शुड बी बेस्ड ऑन लोकल कैश फ्लोज सो दैट करेंसी कन्वर्जन अवॉइड हो जाएगा एंड उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स है वो एलिमिनेट हो जाएगी, जो यूनिनॉर के केस में था एंड यूनिनॉर हैड टू बी शट डाउन. For evaluation of a foreign project from parent firm's angle, operating financial cash flows दोनों अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितना है, फाइनेंशियल कैश फ्लोज कितना है, कितना वो रेमिट कर पा रहे पेरेंट कंपनी को. बिकॉज इवेंचुअली पेरेंट कंपनी इज इन्वेस्टिंग लोकली या कोई भी अदर कंट्री में विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी. सो क्या वो अर्न मनी आपका हो पा रहा है कि नहीं, बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for firm's performance and the basis for distribution of dividends to the shareholders. So, आपको फिर locally shareholders को पैसा देना है, depends on whether parent firm is able to earn money or not. An investment has to be evaluated on the basis of net after operating cash flow. So, in general, यह points लिख सकते हो अपने हिसाब से कि जो cash flows है, वो local firms को check करना चाहिए कि whether we are getting internal cash flows or not after net taxes. फिर if we are getting, how much we are able to send it to the parent firm and then फिर बाद में कितना distribute हो रहा है local shareholders को, only then the decision should be taken. Otherwise Vodafone या Uninor जैसा हो जाएगा तो it may result into a big loss as well. Next, how centralized cash management system helps MNCs in their treasury management. So क्या centralized cash management होना चाहिए? The answer is 101% yes. Because अगर centralized cash management है, centralized cash management मतलब यही वाला कि अगर से फॉर एग्जाम्पल Amazon है तो Amazon इज द मेन एंटिटी, द पेरेंट एंटिटी, बराबर है. सो अब यहां पे सेंट्रल लेवल पे कैश इज बीइंग मैनेज्ड फॉर ऑल द एंटिटीज दैट Amazon हैज थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो उसका सेंट्रल कैश मैनेजमेंट Amazon कहां पे कर रहा है? लोकली कर रहा है, अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. Why? To monitor and manage parent subsidiary, inter subsidiary cash flows. So अभी देखो यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट है ना, तो यूएसए को पता है कि भाई ठीक है इंडिया का कैश स्टेटस क्या है, यूके का कैश स्टेटस क्या है, जापान का कैश स्टेटस क्या है, कितना ट्रांसफर करना है, कितना ये लोग इंटरनली नेटिंग कर पाएंगे. सो दैट इज द रीजन सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट इज यूजफुल टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर इन ऑल द सब्सिडियरीज. सो वो एक सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट से डिसाइड हो सकता है. देखो सपोज सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट है तो
उनको पता है कि भाई उनका एक पॉलिसी होगा दैट एवरी सब्सिडियरी शुड हैव $1 लाख एज इट्स मिनिमम कैश बैलेंस, $1 लाख, $1 लाख, $1 लाख, राइट। अब अगर इंडिया को ही दे दिया उसका पूरा का पूरा पावर, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे मे मिस यूज द फंड्स, या फिर वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लोग नहीं रखेंगे, देन इट कैन क्रिएट अ बैंकरप्सी इशू। टू मैनेज जुडिशियली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, optimally used hedging strategies so that foreign exchange exposure is minimized. So hedging क्या होता है वो अपने को पता है, so we can then use hedging strategies कि भाई अपने को money market hedge use करना चाहिए, forward use करना चाहिए, currency futures, currency options, what should be used overall basis में। So यहाँ पे Amazon at a global level can watch it out. Amazon knows कि भाई कौन से country का क्या forex rates चल रहा है। Next, टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट होगा। दुबई में टैक्स बेनिफिट रेवेन्यू के ऊपर है, तो रेवेन्यू ज्यादा दिखाओ वहां पे। इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है तो वहां परचेजेस दिखाओ। एक्सप्लॉइट करेंसी मूवमेंट बिटवीन पेबल रिसीवेबल हैविंग पॉजिटिव कोरिलेशन एंड पेबल्स ऑफ डिफरेंट करेंसी हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन, ये बेसिकली नेटिंग का ही इंटरनल कॉन्सेप्ट है। सो this is the reason why centralized cash management should be used on a regular basis. kya minimum cash balance rahega aapka sare subsidiaries mein, judicial liquidity requirement rahega, koi bhi subsidiary bankruptcy ke level pe nahi jayega because everybody knows what is to be done. hedging strategies aap properly bana paoge, transfer pricing mechanism would be better and currency फ्लक्चुएशंस को आप बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग मतलब कैन आई से, मेरे को बाहर जाके एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, अगर इंडिया का इंडिया में प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो क्या मेरे को फॉरेक्स कन्वर्जन का टेंशन है? नहीं, बिकॉज इंडिया का रूपीज इंडिया का रूपीज है। क्या मेरे को अगर इंडिया में ही सेटअप करना है तो टैक्स रेट का टेंशन है? नहीं, बिकॉज टैक्स रेट इंडिया का सेम है। बट अगर मेरे को जापान में जाना है तो फॉरेक्स कन्वर्जन भी देखना है, मेरे को टैक्स इंपैक्ट भी देखना है, प्लस रिटर्न। मालूम है अपन लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन है RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल इंडिया का रिस्क फ्री रेट है, से इंडिया का रिस्क फ्री रेट है 12% एंड इंडिया का से रिस्क प्रीमियम है 2%, सो टोटल इंडिया का एक्सपेक्टेशंस या डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाता है 14%। बट यही अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाऊंगा, देन इन दैट केस हो सकता है वो लोग का रिस्क फ्री रेट हो से समथिंग लाइक अ 6% एंड वो लोग को जो रिस्क प्रीमियम है वो दैट वुड बी 1%। सो ये आपको उधर का रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो थ्री थिंग्स, थ्री मेजर प्रॉब्लम्स। एक, जो फॉरेन कंट्री है उसका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आपको पता होना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट द रिटर्न दैट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर। अब अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पता होना चाहिए तो मेरे को वहां का इन्फ्लेशन इंपैक्ट भी पता होना चाहिए, राइट। सो दूसरा, इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, RADR पता होना चाहिए। तीसरा, व्हाट आर द टैक्स रेट्स। मालूम पड़ा वहां पे कमाया और वहां का टैक्स रेट है कि भाई आप को इंडिया में भी उसके ऊपर, उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कंट्री में भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो क्या मतलब 100 रुपए के ऊपर आप अगर इतनी जगह पे टैक्स पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर। सो थर्ड इज द टैक्स रेट आल्सो टू बी सीन। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन। सो अभी अपने को पता है परचेसिंग पावर पैरिटी, सो इन्फ्लेशन रेट कितना है उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का अपनी कंट्री में डेप्रिसिएशन है, अप्रिसिएशन है, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स पहले आपको देखने पड़ेंगे। Only then a decision may can be made that yes, internationally capital budgeting या internationally project accept करना चाहिए या नहीं। Multinational companies investing elsewhere are subject to foreign exchange risk. So देखो ये जो मैं highlight कर रहा हूँ ना, बस वो points ध्यान में रखना and बस उसको लिख के आ जाना। In the sense that currency appreciate or depreciates over a span of time. मैंने बोला आपको भाई currency appreciation depreciation क्या आ रहा है उसका impact देख लो। Second, adjustments or if inflation are to be made in cash flows depicted in local currency. So inflation का भी point आ गया। Due to restrictions imposed on transfer of profits, depreciation charges and technical differences exist between project cash flows and cash flows obtained by the parent organization. So transfer of profits के ऊपर भी there are restrictions. क्यों restriction आता है? टैक्स की वजह से कि भाई अगर मैं वहां पे ज्यादा ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे को बोलते हैं ना ट्रांसफर करने का भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज टैक्स प्रोविजंस विद द होस्ट कंट्री, प्रेजेंस ऑफ टैक्स ट्रीटीज है कि नहीं।
अगर अपन लोग दोनों में टैक्स ट्रीटी नहीं है दो कंट्रीज में, देन इन दैट केस अगेन इट कैन रिजल्ट इनटू अ बिग बिग प्रॉब्लम. सो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन परस्यूड बाय द होस्ट कंट्री बिटवीन डिफरेंट द ट्रांसफर ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसा ना हो कि दोनों जगह पे टैक्स लग जाए. अगर ये सब होता है देन इट कैन कॉज सीरियस इंपेडिमेंट्स इश्यूज इन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क देखने का, इन्फ्लेशन इंपैक्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स इंपैक्ट है वो, टैक्स ट्रीटीज कैसा है, होस्ट कंट्री में टैक्स टैक्स का रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीजें देखकर ही आपको डिसीजन लेना है रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग. अच्छा, अभी और एक एडिशनल चीज है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो इसके लिए प्लीज नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना या फिर मेरी वेबसाइट से रिसोर्सेस है वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना विदाउट फेल. सो व्हाट इज दिस टू न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कॉल्ड एज गिफ्ट सिटी एंड दूसरा है सॉवरिन वेलफेयर फंड. ये दो नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, क्या है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी. ये देखो, इंडिया में ही एक आउटसाइड इंडिया क्रिएट किया है, ठीक है. सो कई इंडियंस को प्रॉब्लम है कि देखो यूएसए में कितने अच्छे रेगुलेशंस है, यूएसए में कितना अच्छा टैक्स का पर्सपेक्टिव है, खाली 15% टैक्स है यूएसए में, यूएसए में कोई भी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेडिंग एंड ऐसा सब बहुत सारा प्रॉब्लम है जो इंडियंस को लगता है इंडिया में है. तो इंडिया में क्या किया, इंडिया ने क्रिएट किया समथिंग कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जिसको प्यार से गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं. अब ये सेटअप हुआ है गांधीनगर के उधर नियर अहमदाबाद. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, सो यहां पे ये जो चीज सेटअप हुई, इधर इंडिया का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इनके लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है. फॉरेन पार्टिसिपेंट्स इंडिया में आए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करे, यहां पे रहे, यहां पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आज की तारीख में कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में करना है काम, देन इन दैट केस देर इज अज ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट आई हैव टू पे. सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, फिर ये टैक्स है, वो टैक्स है, दुनिया भर के टैक्सेस है. अगर वही मैं IFSC में जाता हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में जाता हूं, देन इन दैट केस वहां पे ये सारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट हट जाएंगे. नाउ एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करूंगा. So that is the reason why this IFC has been introduced. So kya hai ye international financial center, that is a financial center that caters to the needs of customers outside their own jurisdiction. Flow of funds ke sath deal karta hai, financial products and financial services ke liye hi bana hai, though in own land India mein hi hai, but with different set of regulations and laws. Sir, aisa kyun? So that they are attracted to invest in our country. Jo log bahar ja rahe hai, mat jao. Ab India mein ye sare regulations jo aapko chahiye, wo mil jayenge the way you want it. Thus, these centers provide flexibility in currency trading. Aapko jo time pe karna hai, karo. Koi restriction nahi hai. Koi additional cost nahi hai. Insurance, banking and other financial services. Kya de rahe hai aapko? Flexibility. Kya de rahe beta aapko? Flexibility. So, you know, this flexible regime attracts foreign investors, which is of potential benefit not only to stakeholders but as well as for the country hosting IFC itself. So obviously ye agar hoga to apne liye acha hi, foreign investors aayenge India mein. So India mein ek financial services ke liye, currency trading ke liye, futures transactions ke liye, derivatives transactions ke liye setup kiya hai. Own land में but different set of rules and regulations. क्यों? Foreign investors potentially invest कर सके यहाँ पे. Opportunity for qualified professionals working outside India to come here and practice the profession. अब यहाँ पे आ जाओ, तुम investment banker हो, US में काम कर रहे हो, IFC में आ जाओ, right? Brain drain कम हो जाएगा. Brain drain मतलब अभी से for example Google का head है सुंदर पिचाई, Microsoft का head है सत्या नडेला, अडोबी अपना टेस्ला का भी कोई हेड है वो इंडियन है. सो इतने सारे अगर हेड्स जो आउटसाइड इंडिया बड़ी बड़ी कंपनीज के वो लोग सीईओज है,
क्यों ना वो लोग इंडिया में ही रह जाते तो इंडिया की इतना आगे बढ़ जाता, तो स्टॉप्स ब्रेन ड्रेन बिकॉज अब वो लोग को लगा हाँ चलो भाई आईएफसी है यहाँ पे अपना डेवलपमेंट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिफाइड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स टू परस्यू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज विदाउट लीविंग योर होमलैंड, ब्रिंगिंग बैक दोज फाइनेंशियल सर्विसेज जो खाली अब्रॉड होती है एंड कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कैन बी स्टार्टेड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में नहीं वर्क करते। मैंने आप लोगों को बॉन्ड्स पढ़ाते वक्त बताया भी था, बॉन्ड्स इज अ ह्यूज मार्केट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं है। सो बॉन्ड्स से रिलेटेड कोई डेरिवेटिव्स भी हुआ ठीक है ना, वेदर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, ऑल ऑफ दिस इज नॉट प्रिवेलेंट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया राइट। सो वैसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है ये खाली ऊपर ऊपर से अपने को एक बार ध्यान में रखना है कि भाई देखो अगर आपको आईएफसी सेटअप करना है हाईली डेवलप्ड इंफ्रा होना चाहिए, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट। सो इंडिया हैज सीन द सेम गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 3 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल से इंडिया में सेम गवर्नमेंट है। सो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि भाई सेम चीज। सो क्या होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, अगर मैंने कोई बोलते ना पॉलिसी इंप्लीमेंट की है सो वो इंप्लीमेंटेशन चलते रहेगा, सो ओवरऑल ग्रोथ इट विल रिजल्ट। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ज्योग्राफिकल इट इज गुड बिकॉज भाई अगर बाहर से किसी को इंडिया आउट ऑफ इंडिया से बुला रहे हो तो आउट ऑफ इंडिया जैसे एक फील भी देना चाहिए, ज्यादा पोल्यूशन और वो सब नहीं होना चाहिए राइट। क्वालिटी लाइफ होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रैशनल होना चाहिए, जबरदस्ती का यू नो पैसा लेना है टैक्स चार्ज करना है वो नहीं होना चाहिए एंड इट विल रिजल्ट इन टू अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो, सस्टेनेबिलिटी हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, ये सब चीज है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आईएफसी। ये आप लोगों के लिए खाली मैंने इन जनरल थोड़ा दे दिया आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गिफ्ट सिटी। जैसे तुम लोग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुने हो बस ये वैसा ही है, थोड़ा और एडवांस्ड लेवल पे आ जाता है हमारा ये गिफ्ट सिटी। ये दुबई में, हांगकांग में, ये सब जगह पे है, सो इंडिया थॉट व्हाई नॉट टू हैव इट इन इंडिया एज वेल। ऑलराइट गाइस, सो क्या है ये बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी गेटवे ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सॉवरीन फंड। सॉवरीन मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पैसा। सो क्या गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए? द आंसर इज यस। सो ये देखो स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट। सो अबू धाबी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब के जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना इनके पास ट्रिलियंस ऑफ फंड्स है। अबू धाबी गवर्नमेंट हैज ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फंड्स। सो वो उससे एक स्टेबिलिटी रहता है बॉस कि कभी यूएई को ये सब जगह को कुछ प्रॉब्लम होएगा ही नहीं, यूएसए सिक्योर्ड है एकदम वैसे। तो इंडिया में भी जब स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट होगा देन इन दैट केस ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी गुड। सो बेसिकली सॉवरीन फंड, सॉवरीन वेल्थ फंड मतलब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है और गवर्नमेंट उसको कहां कहां पे इन्वेस्ट करके इट कैन अर्न गुड मनी। सो SFWFs प्रोवाइड अ बेनिफिट फॉर कंट्रीज इकोनॉमी एंड इट्स सिटीजंस। जितना पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा उतना स्टेबिलिटी रहेगा। अभी आज की तारीख में पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है एंड दैट इज द मेजर रीजन दे आर फेसिंग बिग फाइनेंशियल टर्मोइल एंड क्राइसिस। सेम विद बांग्लादेश। सो अपने तीनों जो नेबर्स है ऑल आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज उनके पास सॉवरीन फंड्स है ही नहीं। इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली इट इज लीगल बेस्ड ऑन सॉवरीन वेल्थ फंड। कहां से मिल सकता है उनको? सरप्लस रिजर्व फ्रॉम स्टेट ओन नेचुरल रिसोर्स रेवेन्यूज एंड ट्रेड सरप्लसेस। सो गवर्नमेंट ऑल्सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, वहां से वो लोग को पैसा मिल सकता है। बैंक रिजर्व होते हैं, फॉरिन करेंसी ऑपरेशन से मिल सकता है, प्राइवेटाइजेशन करके दे कैन अर्न। सो बेसिकली वॉट इज नेशनलाइजेशन एंड वॉट इज प्राइवेटाइजेशन? अगर कोई प्राइवेट एंटिटी को गवर्नमेंट टेक ओवर करता है उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी को प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करती है उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। सो बहुत जगह पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे आप लोग ने सुना होगा एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, GMR एयरपोर्ट। सो ये सब क्या किया है गवर्नमेंट ने? प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन करके क्या मिलता है गवर्नमेंट को? बहुत सारा पैसा मिल जाता है, उनका सॉवरीन फंड क्रिएट हो जाता है। गवर्नमेंट को कुछ भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स करना है दे कैन यूज इट फ्रॉम द सॉवरीन फंड्स। बेनिफिट क्या है? प्रोटेक्शन, स्टेबिलाइजेशन ऑफ बजट, ऑफ इकोनॉमी, डाइवर्सिफिकेशन है, बेटर रिटर्न आप अर्न कर सकते हो, मॉनिटरी अथॉरिटीज। अभी कई बार अनवांटेड लिक्विडिटी अगर मार्केट में क्रिएट हो जाए तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बेनिफिशियल, जस्ट रीड कर सकते हैं। इंक्रीज सेविंग्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर फंड चाहिए तो अपने पास पैसा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, एंड दैट्स वॉट यू वॉन्ट राइट।
ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ SWS, सो व्हाट इज इट? स्टेबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, क्यों अपन लोग SWF क्रिएट कर रहे हैं? सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स ही है. पब्लिक बेनिफिट, रिजर्व इन्वेस्टमेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रिजल्ट करता है अपनी कंट्री का. एंड लास्ट इज व्हाट आर द टाइप्स? SWF, सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक पेंशन फंड, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, सॉवरेन वेल्थ एंटरप्राइजेस. ये खाली एक बार रीड कर लो तो भी सफिशियंट है. ओके, सो इसी के साथ कंप्लीट होता है ये सेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स एंड वी आर डन. अब आप इसको 1.5 की स्पीड पे सुनेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों का और फटाफट हो गया होगा. अब आपको टेंशन नहीं है थियोरी का इस चैप्टर से, मतलब अराउंड 30 मिनट्स 1.5 की स्पीड पे सुनोगे तो अराउंड 30 मिनट्स में पूरा IFM का थियोरी आपका हो गया है. अब कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल. ऑलराइट गाइस, कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो अभी आपको और जो भी चैप्टर्स चाहिए डू लेट मी नो एंड आई विल गेट इट फॉर यू. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच. जैसा मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट टाइम भी दैट इन केस एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इज लुकिंग फॉर AFM लेक्चर्स, सो यहाँ पे है हमारा कॉस्टिंग मास्टर क्लास. ये अगर किसी को सॉरी AFM मास्टर क्लास, ये अगर किसी को चाहिए दैट इज ऑल्सो वॉट दे कैन लुक आउट फॉर. या इफ दे आर लुकिंग फॉर अ रेगुलर बैच, वो भी लाइव रेगुलर बैच है, यू कैन सजेस्ट इट टू योर जूनियर्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय.